हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के जननायक, मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, जिनके नेतृत्व में पांचवी बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, उनका सरकार बनाने के बाद छिंदवाड़ा जिले की धरती पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेक बंटी साहू जी से, वे हमारे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, आज लोकसभा चुनाव का आगाज हुए यहां से कर रहे हैं, तो 29 कमल के फूल से बने माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, दुपट्टा पहना कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी, मैं हमारे पिछले चुनाव के अभी संपन्न चुनाव के सातों प्रत्याशी सामूहिक रूप से बड़े माले से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, आदरणीय नाना भाव मोहन जी, नथन साय कवरेती जी, लखन वर्मा जी, प्रकाश विके जी, ज्योति डहरिया जी, मोनिका भट्टी जी, विवेक बंटी साहू जी, आप सातों प्रत्याशियों से आग्रह है बड़े माले से माननीय मुख्यमंत्री जी का सामूहिक रूप से स्वागत करेंगे हमारे सभी सातों प्रत्याशी। और सातों प्रत्याशी के सामूहिक स्वागत के बाद हमारे जिले के सभी वरिष्ठ नेता, सातों प्रत्याशी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, अब हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करूंगा बारी बारी से फूल माला से उनका स्वागत करेंगे। ठाकुर प्रियवर सिंह जी से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का फूल माला मिला कर स्वागत करें। लोकसभा के संयोजक शेषराव यादव जी से आग्रह है आप भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे लोक विधानसभा चुनाव के संयोजक और जिले के पूर्व अध्यक्ष कन्हैराम जी से आग्रह है आप भी मुख्यमंत्री जी का फूल माला से स्वागत करें। ठाकुर दौलत सिंह जी से आग्रह है आप भी माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है सभी की ओर से जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ स्वागत भाषण के लिए हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेक बंटी साहू जी से भी आए और स्वागत भाषण करें माननीय जिलाध्यक्ष जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। साथियों, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का छिंदवाड़ा आगमन हुआ है प्रचंड बहुमतों की जीत के साथ। भाई साहब सबसे पहले कहीं आए हैं तो छिंदवाड़ा आए हैं, हम छिंदवाड़ा वाले सौभाग्यशाली हैं, जोरदार तालियां बजा करके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आज प्रचंड विजय से भारत विजय का हो गया आगाज है, प्रचंड विजय से भारत विजय का हो गया आगाज है। एमपी के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है, और एमपी की धड़कन में शिवराज सिंह चौहान है, एमपी की धड़कन में शिवराज सिंह चौहान है। आज हमारे बीच में हम
हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है उपस्थित हुए हैं। मैं भाई साहब का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं भाई साहब से बताना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता आपके बीच में आपका अभिनंदन करने आए हैं। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण जन कल्याण का अगर किसी ने काम किया है तो वो शिवराज सिंह चौहान जी है। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे मेहनती सबसे जुझारू विपरीत परिस्थिति में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता है तो वो हमारा छिंदवाड़े का कार्यकर्ता है। भलाई भलाई हम यहाँ चुनाव छिंदवाड़ा से हम लोग आ रहे हैं। यह जीत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना के दम पर हुई है। यह जीत शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजना महिला कल्याण योजना लाडली बहना की योजना के दम पर हुई है। लेकिन भाई साहब इस जीत में छिंदवाड़ा वालों का भी थोड़ा सा योगदान है। मैं बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड आपके पास आपको देना चाहता हूँ कि इन 27 दिनों में 23 दिन छिंदवाड़ा के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को छिंदवाड़ा में बांध के रखा है। ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिले हैं। बारिश का मौसम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम सभी को भाई साहब को भरपूर सुनना है। भाई साहब छोटी सी विनती करना चाहता हूँ, चुनाव के समय आप आए थे, बहुत व्यस्तता थी, आपने कम बोला था, लेकिन आज कार्यकर्ता पूरा सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं कि नहीं? माननीय शिवराज सिंह जी को पूरा सुनना चाहते हैं ना? तो भाई साहब का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और एक एक कार्यकर्ता की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कहीं आए हैं तो छिंदवाड़ा आए हैं। और छिंदवाड़ा भी क्यों आए हैं? शंखनाद करने 2024 का। भाई साहब मैं कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस बार छिंदवाड़ा का जो सांसद रहेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा, यह विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ हमारे जननायक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, वो आए और हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इधर से हट जाए, पीछे से उधर दिखने दे, थोड़ा इधर हट जाए भैया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छिंदवाड़ा की जनता की, मेरे सभी बहनों लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, आज सबसे पहले चुनाव जीत के 3 तारीख को परिणाम आए, लेकिन मैं बेचैन था अपने छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता भाई और बहनों से मिलने के लिए। 6 तारीख को मैं आज आपके बीच चला आया। अरे मैं मुझे कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में, मैंने तो सोचा था कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ता और लाडली बहनों का समुद्र उमड़ आया यहाँ छिंदवाड़ा में। इस अवसर पर उपस्थित भाई प्रीवियर जी, हमारे अध्यक्ष, हमारे सातों उम्मीदवार भाई विवेक बंटी साहू जी, भाई नाना भाव माहौल जी, भाई प्रकाश कुइके जी, नथन शाह कवरेती जी, लखन वर्मा जी, ज्योति डहरिया जी, मोनिका बट्टी जी, मेरे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, मैं उनको नमस्कार करता हूं, और मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सबसे पहले एक विराट जीत, महाविराट विजय मिली है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। जब मैं यार हवाई पट्टी से आ रहा था तो जगह जगह लाडली बहनाए खड़ी थी, उनके हाथ में तख्तियां थी, भैया अपन जीत गए। सचमुच में अद्भुत है, बहने कह रही है
भैया अपन जीत गए। और मेरी बहनों, ऐसा चमत्कार हुआ है मध्य प्रदेश की धरती पर जो पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 48.6% वोट मिला, इतिहास में कभी नहीं मिला इतना वोट, कभी नहीं मिला। जब हम 173 सीटें जीते थे तब भी वोट था 42%, इस बार वोट है 48.5%। आपने चमत्कार कर दिया, मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं। और इस जीत में देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सिदाम्यम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवापि युगे युगे। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अन्याय अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, अवतार लूंगा। आज मैं ये हृदय से कह रहा हूं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी का इस धरती पर आगमन हुआ है, परमात्मा की इच्छा से। परमात्मा की इच्छा, नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सबकी अटल श्रद्धा और अटूट विश्वास है। और जैसे भारत बढ़ रहा है, कोई सोचता था कभी? अरे हम लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तय, 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों अयोध्या में राम लला जी के दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो। लोग कहते थे ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 हट गई, अब भाव पत्थर वर्षा भी बंद हो गई, आतंकवाद समाप्त हो गया। मेरी बहनों और भाइयों, जो लोग काम सोचते थे कि नहीं हो सकते, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। और एक तरफ हमको गर्व है, गौरव है, 2014 के पहले हमारे देश का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में नहीं थी। लोग भारत को इज्जत की नजरों से नहीं देखते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का तिरंगा झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है, और जहां देखो भारत माता की जय और मोदी मोदी की गूंज हो रही है। एक ही उदाहरण दूंगा, रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए, मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, बच्चे कैसे निकले, उनके माता पिता घबरा रहे थे, मध्य प्रदेश के भी बच्चे थे, मैं भी परेशान था। लेकिन मोदी जी ने फोन उठाया और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और सीधे एक ही बात कही कि तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे, जब भारत के बच्चे निकले तो युद्ध बंद हो जाए, सीधे और सुरक्षित हमारे बच्चे बाहर निकल आए। भारत के बच्चे तिरंगा लेके निकले, इधर रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी बंद कर दिया, और भारत माता की जय बोलते हुए भारत के बच्चे सुरक्षित बाहर तिरंगा लेके निकल आए। अपने पीछे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बच्चे भी निकल आए। कब कौन ने सोचा था कि ये होगा, लेकिन ये हो रहा है। हमारा सीना गर्व से चौड़ा है, और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति हमारी असीम श्रद्धा है।
उनके कारण ये विजय हुई है। ये जीत मेरी बहनों और भाइयों डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, केंद्र सरकार और अपनी राज्य सरकार दोनों ने मिलकर जो काम किए, उन कामों की जीत है। विकास के कामों की जीत, जन कल्याण के कामों की जीत, एक नहीं अनेकों काम, आज एक एक काम गिनाना नहीं चाहता। और ये जीत मेरी लाडली बहनाओं, ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारी ये अपनी जीत है। भाई बहन कार्यकर्ता, मैं आज छिंदवाड़ा को प्रणाम करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, सातों उम्मीदवारों से भी कहना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं साथ खड़ा हूं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। ये कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि आप काम नहीं कर सकते, आप विकास के काम भी करोगे और जनता के कल्याण का काम भी करोगे। और छिंदवाड़ा की जनता को, आज छिंदवाड़ा की जनता को मैं शिवराज सिंह चौहान विकास की गारंटी का वचन देता हूं, विकास की गारंटी का। सातवां विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करेंगे, नहीं छोड़ सकते छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा वालों को, नहीं छोड़ सकते सातों हमारे विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा के हों, सौसर के हों, जुन्नारदेव के हों, परासिया के हों, चौरई के हों, अमरवाड़ा के हों, पांडुरना के हों, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, आज ये भाई वचन देने आया है, मैं हर पल आपके साथ खड़ा रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि आपका योगदान है। अभी बंडी बता रहे थे कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं के कारण पूरे प्रदेश में जा ही नहीं पाए, आपने यही घेर दिया। अब देखो, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बुधनी से लड़ा तो मैं फार्म भर के, मुझे जनता ने वहां से भगा दिया, कभी इधर मत जाना, केवल वोट डालने आना, घुसना जाना इस क्षेत्र में। मैं सही बता रहा हूं, मुझे बुधनी वालों ने घुसने नहीं दिया वहां, और बुधनी वालों ने कहा कि एक वचन हम दे रहे हैं, क्या हम 1,00,000 वोट से ज्यादा वोट से तुम्हें जिताएंगे, तुम मध्य प्रदेश में सरकार बना के लेते आओ। मैं कभी बुधनी नहीं गया, कभी नहीं गया बुधनी, वोट डालने गया बस, और वहां की जनता ने 1,00,000 से ज्यादा वोटों से मुझे जिताया। लेकिन मैंने भी वादा निभाया, पूरे प्रदेश में 163 सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी की झोली में कार्यकर्ताओं के साथ मिलके डाल दी। लेकिन छिंदवाड़ा वालों, आपने यही घेर दिया, दादाजी कहीं निकले नहीं, अब मामा तो घूम रहा था, दादा यही फंस गए, रोज सवेरे शाम छिंदवाड़ा कायम, बोले छिंदवाड़ा ही है, और इसलिए आपने यहां उनको बांध दिया। तो मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, और ये छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये जीत मैं तुम्हें समर्पित करने आया हूं, तुम्हें समर्पित करने आया हूं। छिंदवाड़ा वालों, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकार करो, और हम सब मिलके, और हम सब मिलके छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करेंगे, विकास करेंगे। देखो, मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं आपके लिए, बताओ मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, अरे जोर से बोलो ना, तो भांजे भांजे तुम भी बोलो रे, अपन तो भैया और मामा है, काहे का मुख्यमंत्री, अरे इस पद के आगे दुनिया के सारे पद बेकार है, मैं कितना सौभाग्यशाली, इतनी बहनों का भाई, इतनी बहनों का भाई, इतने भांजे भांजियों का मामा,
इस पद से बड़ा मेरे लिए और कोई पद नहीं है। स्वर्ग का सिंहासन भी बेकार है, ये समझते हैं। और ये आज कमिटमेंट भी छिंदवाड़ा के माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों और भांजे भांजियों से करता हूं कि जब तक सांस चलेगी मैं आपकी सेवा में लगा रहूंगा, मैं आपको छोड़ के आपकी सेवा में लगा, क्योंकि जनता ही अपनी भगवान है। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और इसलिए इस जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं। और मेरे भांजे भांजियों, एक एक संकल्प पूरा किया जाएगा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार हमको पूरा करना है। लाडली बहनाओ, 10 तारीख आने वाली है, और 1000 सिवे 1250 बाद में कितने होंगे, एक एक चीज पूरी होगी, चिंता मत करना। एक एक वादा निभाएंगे, वचन पूरा करेंगे, संकल्प पत्र में लिखी लिखे एक एक बात हमारे लिए भगवान का दिया हुआ संकल्प है, आप ये मानना। तो क्रमशः एक एक करके विकास के भी और जन कल्याण के भी हर संकल्प पूरे किए जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि भाजपा की सरकार दिए गए हर संकल्प को पूरा करेगी। लेकिन आज अब एक संकल्प छिंदवाड़ा को लेना पड़ेगा, और मैं उसी संकल्प के लिए आया हूं। बताऊं क्या? देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। और मेरी दिल से इच्छा है, और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे, जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 20-20, 22-22 घंटा काम किया है। वैसे ही ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गई थी। मेरे बहनों और भाइयों, जनता से भी कह रहा हूं, कार्यकर्ताओं से भी आह्वान कर रहा हूं, इस बार छिंदवाड़ा का सबसे सुंदर कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी को यहां से बोलिए तैयार है सब। देखो, अपन सब मिलकर जितने कार्यकर्ता और जनता यहां बैठी है, एक संकल्प आज करें, एक संकल्प मेरा मैं कर रहा हूं कि प्रदेश की जनता की सेवा में
कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लाडली बहनों के बाद अब अभियान होगा लखपति बहना। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। मेरा जन्म अपनी बहनों की जिंदगी बदलने के लिए हुआ है। मिशन है मेरा, मिशन है मेरा। और इसलिए लखपति बहना मतलब हर गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन, हर महीने 10,000 रुपया से ज्यादा उसकी आमदनी हो, साल में 1,00,000 रुपया से ज्यादा। बोलो होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, 1,00,000 से ज्यादा। और अपनी बहनों के साथ मिलके मैं करके रहूंगा, इसके बिना चैन की सांस नहीं लूंगा। और ये होगा, हो सकता है, क्योंकि 15,00,000 बहने हमने ऐसी बनाई जिनकी आमदनी 1,00,000 से ज्यादा, मरते वो 15,00,000 हो गई। 10,000 रुपया महीना से ज्यादा कमाने वाली महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गांव में, शहर में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे। मैं खुद मॉनिटर करूंगा और तेजी से हम कोशिश करेंगे हर बहन को स्व सहायता समूह में लाके उनकी आमदनी अलग अलग काम धंधे करते हुए बढ़ा के 1,00,000 रुपया से ज्यादा कर दी जाए। नहीं रहेंगे गरीब, नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू। क्यों रहेंगे मजबूर, क्यों रहेंगे मजबूर? क्या मेरी बहने 1,000-2,000 रुपए के लिए हाथ फैलाते घूमेगी? क्या मजबूरी की जिंदगी जिएगी? नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जिएंगी हमारी बहने। और वो स्वाभिमान आता है तब जब बहने अपने पैरों पे खड़ी हो। मेरी आमदनी, जैसे लाडली बहना ने गौरव और आत्मसम्मान दिया, मेरा पैसा, मेरा खाता, मैं जैसा चाहूंगी खर्च करूंगी, तो घर में भी इज्जत बढ़ गई। सही बात है कि नहीं? पैसे से इज्जत तो बढ़ती ही ना भैया, ये तो सच है। जब अपने पैरों पे खड़ी होगी तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और इज्जत तीनों बढ़ेगी। और वैसे ही भांजे भांजियों, चिंता मत करना रे, मैंने कहा है अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हारे पढ़ाई की पूरी व्यवस्था तुम्हारा मामा करेगा। कोई गरीब बेटा बेटी क्यों मजबूर रहे कि काश मेरे मम्मी पापा के पास पैसे होते तो मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊंगा, बन जाता, मैं बनाऊंगा, मैं चिंता मत करना, फीस का इंतजाम हम करेंगे, पढ़ते रहो। बाकी चीजें है, लैपटॉप से लेके स्कूटी तक वो तो चलेगी, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भरा के बड़े पदों पर पहुंचाने का काम, और एक परिवार एक रोजगार का अभियान चलेगा। और किसान भाइयों, 2,700 रुपया क्विंटल, अरे आई लव यू टू भांजे, यही तो अपना प्यार भरा जीवन है अपनी जनता के साथ, एक एक चीज पूरी करना है। तो ये सब चीजें हम करेंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब मिलके आज संकल्प लो कि हम छिंदवाड़ा लोकसभा सातों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, मोदी जी को भेंट करेंगे। बोलो सब तैयार हो? सातों विधानसभा में भाजपा को जिताओगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो आओ आज अपनी अपनी जगह खड़े होकर छिंदवाड़ा संकल्प लेगा, लोकसभा का चुनाव जीतने का, लोकसभा की छिंदवाड़ा विधानसभा सीट जीतने का, अपनी अपनी जगह हम सब खड़े होके आज ये संकल्प लेंगे कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को सातों विधानसभाओं में जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी,
और भारत माता की जय बोल के छिंदवाड़ा लोकसभा जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छिंदवाड़ा जिले की जनता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मैं भी आपको वचन देता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।